हेलो दोस्तों, आर्यन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। प्रश्न एक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न के चार उत्तर दिए हुए हैं, जिनमें तीन गलत है, एक सही है। उस सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन। दो, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? हम लोग अध्याय में पढ़े हैं कि कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की। तीन, स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1765 में पारित हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई तो उसमें बहुत क्षति हुआ था, तो उसको पूर्ति करने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये एक्ट लागू किया था। प्रश्न चार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। प्रश्न पाँच, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो यह संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था और यह 1787 में बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न छः, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न सात, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। प्रश्न आठ, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। प्रश्न नौ, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रश्न दस, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, यानी 7 वर्षों तक यह युद्ध चली थी। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है प्रश्न खाली स्थान, लेसेज फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। दूसरा है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया। तीन, सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था। पाँच, धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। छ, नई दुनिया यानी अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया 1492 ईस्वी में। साथ है अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना अमेरिका में हुई। उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। अगला है राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की थी। अगला प्रश्न है सही गलत
कथन का चुनाव करें तथा उसके सामने कोष्टक में उपयुक्त चिन्ह अंकित करें। एक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह गलत है क्योंकि वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दूसरा, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, यह गलत है क्योंकि अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, यह सही है। अमेरिकी की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, यह गलत है कह रहा है क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, तो इसका आंसर फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, यह गलत है क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, सही है। स्टंप एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था, यह भी सही है। इसके बाद के जो भी प्रश्न उत्तर है उसको अगले वीडियो में हल करेंगे, और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।